नमस्कार साथियों, आप सभी साथी का आवाज मिल रही है? सभी साथी को, आप सभी साथी का रेलवे धाम पटना परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार साथियों, क्लियर है भाई? फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दिए साथियों, गजब तरीके से आज की सेशन जबरदस्त होने वाली है साथियों। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे धाम पटना आप सभी के लिए, साथियों आप सभी के लिए रेलवे धाम पटना ने लाया है साथी, याद करिएगा आप साथियों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कक्षा। केमिस्ट्री की कक्षा आज हुई थी, बायो की भी कक्षा कल आपका मॉर्निंग में 7 AM में होने वाली है। सुबह के 7 बजे बायोलॉजी की धमाकेदार कक्षा होने वाली है साथियों। चलिए, कुणाल बसक जी, मिथिलेश जी, धर्मेंद्र जी, राहुल चौधरी जी, विशाल प्रजापति जी, विनायक मोद जी, बीरूर जी है ना, तुषार जी, चलिए गोपाल जी, स्वागत अभिनंदन है साथियों। अक्षय कुमार गौरव जी, साथी सुबह 7 बजे आप सभी साथी जुड़ेंगे, बायोलॉजी की शानदार कक्षा होने वाली है, बायोलॉजी की शानदार कक्षा होने वाली है साथियों। सुबह 7 बजे आप जुड़ेंगे साथी, गजब तरीके से जितने भी साथी में देख पा रहे हैं साथियों, वो सभी साथी जुड़ जाएंगे साथियों। क्लियर है हमारी बात साथी? क्लियर है आप सभी साथियों से? तो आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथी। मैंने आपसे वादा किया था साथियों, YouTube पर हम 3 टाइप की क्लास लाने वाले हैं, आपसे कहा था। एक, यदि आप बात करोगे तो आपकी जनरल साइंस की क्लास है, क्योंकि होता क्या है, हमारे पास रिजल्ट के लिए सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है साथी। जनरल साइंस की कक्षा है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास शुरू होने वाली है साथियों। यदि हम बात करें, बेसिक साइंस हमारा चल ही रहा था और हमारे ट्रेड की भी कक्षाएं चल रही थी साथियों। एप्लीकेशन पर लोड ज्यादा होने के कारण आपकी कक्षा YouTube वाली थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन YouTube पर निरंतर कक्षा चलते रहेगी जिसमें बहुत सारे PYQ कराएंगे साथियों। क्लियर है भाई? सभी लोग जुड़ेंगे साथी, क्योंकि भाई आप जुड़ते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा साथियों। आइए, हमारे पास सवाल आ चुका है साथी। सवाल है RRB लोको पायलट 23/1/19 का सवाल है साथियों। सवाल क्या, थोड़ा जान लो। पहला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? Which of the following is not a cause of electrical fire? यानी बिजली से जो आग लगता है वो कौन नहीं है? ट्रेड की नहीं हुई भाई, क्योंकि भाई मैडम का कॉलेज में काम था साथियों। क्लियर हमारी बात साथी? चलिए साथियों, आपका पहला सवाल आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत से लगने वाले आग का कारण नहीं है? ढीला कनेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, खुले दरवाजे, तारों पर अतिरिक्त भार होना यानी ओवरलोडिंग होना, आपको बताना है साथियों। पूछ रहा है नहीं होना भाई, नहीं होने की बात है, खुला दरवाजा से, ओपन डोर से कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिजली का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को? और ये जो 3 बातें हैं, इसीलिए आंसर सी होगा, और ये बातें इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, ये बातें भी इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है भैया। जो इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं रखता है, मतलब नहीं है साथियों। भैया ये मेरा सवाल नहीं है, ये रेलवे का 23/1 का सवाल है, मेरा सवाल भैया नहीं है कि हम अपने मन से कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, रेलवे ने आपके साथ कॉमेडी किया साथियों। आओ अगले सवाल पर, ये भी सवाल लोको पायलट टेक्निशियन के 23/1/19 का सवाल है साथी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव्यों यानी लिक्विड के
लिक्विड के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। बताओगे विच टाइप ऑफ फायर एग्जॉस्टर इज यूज फॉर फायर कॉज्ड बाय लिक्विड। लिक्विड या लिक्विड, लिक्विड की बातें हो रही है, द्रव पदार्थों के बारे में हो रही बातें बता रहा है आप सभी को। चलिए अब सही है भाई, सही है भाई। चलिए गजब तरीके से आप दबा दे रहे हैं, कौन सा आंसर सही हुआ? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। साथियों सही है क्लास बी, क्योंकि क्लास ए में हमने पढ़ा था लकड़ी के बारे में, कागज के बारे में, याद करिएगा। क्लास बी में हमने बताया था तैलीय पदार्थ के बारे में, याद करिएगा। क्लास सी की यदि आप बात करोगे तो हमने पढ़ा था गैस के बारे में। अब क्लास डी की बात करोगे तो हमने पढ़ा था साथियों आप धातु के बारे में, मेटल के बारे में साथियों, याद होगा आप सभी को। यानी ये टिम्बर के बारे में साथियों था, ये हमारा था लिक्विड मटेरियल के बारे में, ये हमारा गैस के बारे में था, ये हमारा मेटल के बारे में था। यहां पूछ रहा था लिक्विड, तो भैया ये तैलीय पदार्थ हो गया कैटेगरी बी या क्लास बी। क्लियर है भाई? गजब तरीके से आप जवाब दे रहे हो साथी। भैया आओ सवाल है हमारे लोको पायलट टेक्नीशियन का 23-19 का साथी। साथियों सवाल हमारे पास है, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में, सब ये तो बताएं भैया, विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में रखा गया है साथियों? ए में लकड़ी कागज से युक्त, तो सही है, गैस के लगे आग से, द्रव के लाग इलेक्ट्रिक, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास। देखो भाई सपोर्ट जितना करोगे उतना पाओगे भैया। बताओगे फटाफट फटाफट, अक्षय कुमार, गौरव जी, इंद्रजीत शर्मा जी, मिथिलेश जी, राहुल चौधरी जी, तुषार जी, सुनील जी, बीरू जी, विनायक जी, कुणाल वशक जी, अभय चौरसिया जी, धर्मेंद्र जी, सबका सही आ रहा है, सबका सही, और डी होगा सही आंसर, इलेक्ट्रिक की बातें होगी साथियों। क्लियर हमारी बात? नेक्स्ट में आओ, ये साथियों सवाल हमारा है 23-19 का। सवाल क्या है भैया जान लो, वर्ग बी क्लास बी मैं पढ़ा चुका हूं, क्लास बी की आग नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग। क्लास बी का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, तरल पदार्थ की बात हो रहा है। यानी आप कहोगे सर लिक्विड की बातें हो रही है ना, लिक्विड की बातें हो रही है, द्रव्य की बातें हो रही है साथियों, हमारे पास सवाल है किसका उपयोग करोगे साथी। यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, चलिए ऐसे भी अंग्रेजी वाले ऑप्शन मान्य होते हैं साथियों। किंग कोहली जी, अंशु कुशवाहा जी, राजकुमार जी, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वाभिमन्यु मुंडा जी, ऑप्शन बताना है। कोई कह रहे हैं डी होगा, भैया बिल्कुल नहीं, तरल पदार्थ में आग की बात, वाटर की बात नहीं करोगे, बात करोगे CO2 यानी आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और या आप कहोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ये सब क्या करता है, ऑक्सीजन के फ्लो को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है साथियों, ऑक्सीजन के फ्लो को तोड़ देता है, ऑक्सीजन के फ्लो को तोड़ देता है, जिस कारण से आग हमारी क्लास बी वाली बुझ जाती है साथियों। क्लियर है सबका भाई? चलिए गजब तरीके से जवाब आप सभी साथी दे रहे हो, शानदार लग रहा है भाई। चलिए अगले सवाल पर आओ साथी, आइए डीएमआरसी का सवाल है भैया, डीएमआरसी का सवाल है, मेंटेनर का फिटर ट्रेड में पूछा था 31-2-2020 का। साथियों ये जो टॉपिक हमारी चल रही है
बेसिक साइंस में भी है और सभी ट्रेड में है, ऑल ट्रेड में है भाई। इससे ही यदि आप ट्रेड का लगभग 3 से 4 सवाल बना सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? था ये ट्रेड में ही टॉपिक, सरकार इसे उठाकर ले आई बेसिक साइंस में। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, वायु के संपर्क आने पर आग पकड़ लेता है, एल्युमिनियम से, लोहा से, सोडियम से, स्टील से। देखो कॉमन बातें हैं भैया, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के साथ आप लोग खेलते हैं, लोहा के साथ भी क्या करते हैं, साथ खेलते हैं भाई। बाइक है लोहा का बना, एल्युमिनियम है बाल्टी है, स्टील की बात करोगे इसके साथ भी हम लोग खेलते हैं। समझ गए बात को? लेकिन किसी को सोडियम के साथ खेलता है, और सोडियम जब भी आपके हवा के, एयर के संपर्क में आता है तो फायर हो जाता है साथियों। क्लियर है भाई? चलिए साथी आदित्य जी स्वागत है भैया। भैया थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग बहुत कम कर दिए हो, तो भैया बोल दो, क्लास ही बंद कर देते, कोई किंतु परंतु का विषय नहीं रहेगा साथियों। चलिए ये सवाल साथियों है डीएमआरसी मेंटेनर का, फीटर का 21-2 का सवाल है साथियों। छठा है, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है, सुरक्षा उपयोग को लेकर बता रहा साथी। चलिए मनीषा बेटा कोई बात नहीं है साथियों, जल्दी जल्दी शेयर कर दो भैया, शेयर कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है साथियों, चलिए आंसर दीजिए फटाफट साथियों। मिनी एटर सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट बोर्डर, मिनी करंट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट बूस्टर। साथी इलेक्ट्रीशियन वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो जवाब देना ही चाहिए, पूछ रहा है किसको, फीटर को पूछ रहा है देखो, लेकिन एमसीबी की बात होगी। ए हो रहा है अभिमन्यु मुंडा जी, और ए सही ऑप्शन है। मिनिस्टर सर्किट ब्रेकर के द्वारा हम लोग जो है एमसीबी का उद्देश्य पूरा, यानी अगर आपके घर में बिजली यदि जोर का झटका देगा तो भी आपका सामान बच जाएगा, इसलिए बच जाएगा क्योंकि एमसीबी आपकी उपकरण की सुरक्षा करता है साथियों। क्लियर है साथी। चलिए साथियों गजब तरीके से जुड़ रहे हैं आप। भैया एक बात को समझना है साथी, देखो मैं आपको बार बार कहता हूं, सबसे पहले पढ़ने का स्टडी देखो तुम्हारा, मैं बोला था 3 भाग में बांट लो, 1 सीबीटी 1 है तुम्हारा, 1 सीबीटी 2 का पेपर 1 है, 1 हमारा सीबीटी 2 का पेपर 2 है। भैया घर पर किताब से दोस्ती करो, किताब बुक को अपना दोस्त बनाइए, तब जाके होगा सिलेक्शन सबका। भैया मार्केट में बुक्स आती हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, PYQ आते हैं, सबको चैप्टर भाई भैया बनाओ, घर पर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है साथियों, इस बात को समझना है। क्लियर है भाई? गजब तरीके से। साथी आपको यदि वास्तविक में लगता है, एलपी टेक्नीशियन की बातें आपको लगती है, तो इस बात को समझ लेना है, सफलता उसे मिलेगी जो मेहनत करेगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिल पाएगी साथियों। कल आप लोगों के लिए बायोलॉजी की शानदार कक्षा होने वाली है, आप लोग जुड़ेंगे सुबह 7 AM में बायोलॉजी की कक्षा,
साथियों होगी। केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है आपको जैसा पता है, फिजिक्स भी शुरू हो जाएगी, पर फिजिक्स तो चली रही है बीसीडी के साथ, इस बात को समझना है। तो कल सुबह 7 बजे आप सभी साथी जुड़ेंगे। आओ सवाल आ गया साथी, सवाल है डीएमआरसी मेंटेनर फिटर के 21/2/20 का सवाल है साथी। कहा है अग्निशामक फायर एग्जॉस्टर सिलेंडर में डैश भरी होती है, वायु कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हीलियम, बताओ। बीसीडी का बुक आ रहा है कुणाल जी, बीसीडी का टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, क्लियर है भाई, बताना है आप सभी को 7वां नंबर सवाल का जवाब। कोई बात नहीं है, फास्ट करते हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे भैया, ठीक है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए साथियों, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, समझ रहे हैं हमारी बात, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, और इसका सही होगा, और अगर वायु हवा चल गया तो और आग जो है आग तेजी से पकड़ लेगी, समझ रहे हैं बात को। जैसे आप देखना गेहूं के खेत में कभी अगर आग लग जाता है और हवा अगर बह रही है तो पूरा गेहूं जल जाता है साथियों, भाई खुदा ना करे ऐसा कभी किसानों के साथ, क्योंकि किसान इतना मेहनत करते हैं इस खेती करने में, लेकिन हर बार ऐसा होता है, आप देख सकते हो समाज में सोसाइटी में साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है कि किसान हमारे इतना दिन समय देते हैं तब हमारे घर में राशन और पानी समाज में मिलता है, चाहे आप पैसे दे के खरीद लो। यदि किसान ना होते ये 10,000-20,000 और नौकरी करने से कुछ नहीं होता, पैसा खाओगे क्या, बिल्कुल नहीं साथी, समझ रहे हैं हमारी बात। तो कभी कभी खेत में आग लग जाती है, हवा तेजी से बहती है और आग तेजी से पकड़ लेता है, बड़े बड़े दमकल बुगलाने पड़ते हैं तो भी समस्या का समाधान नहीं होता है। कुणाल जी भाई टेंशन काहे ले रहे हैं, क्लियर हमारी बात। साथियों क्लियर है भाई, चलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत बहुत बिल्कुल 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 साथियों। इसीलिए आप सभी को कहते हैं किसान को हमेशा सलाम क्या करो, किसान से बड़ा इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है, किसान से बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं है, किसान से बड़ा IAS IPS भी नहीं है साथियों। इस बात को समझने की जरूरत है, हर गांव से किसानों का आवाज आती है साथियों। अरे किसान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। किसानों के खिलाफ कोई बोलेगा उसकी जीभ काटने की ताकत रखता हूं साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। जितेंद्र जी चलिए प्रणाम प्रणाम, स्वागत है भैया। चलो अगले सवाल पर आओ, डीएमआरसी का सवाल है साथियों, मेंटेनर का सवाल है। सवाल क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसमें अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप शुड हैव ए गुड ग्रिप टू इंश्योर गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल 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 क्लियर है भैया, जवाब दो, जवाब दो,
नहीं पता का मतलब क्या होता भैया? भाई कह रहा है विद्युत संपर्क को सुनिश्चित का अच्छी पकड़ होना चाहिए, अर्थ का अर्थिंग का अच्छी पकड़ होना चाहिए। अर्थ का पकड़ अच्छा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अर्थ कैंपस की बात होगी। अर्थ क्लियर है भैया? क्लियर है भाई? चलिए साथियों, गजब तरीके से आप जवाब दे रहे हो सभी साथी। तुक्का नहीं चलेगा भैया मिथिलेश बाबू। चलिए आइए, डीएमआरसी मेंटेनर का सवाल है साथियों, 15/2/17 का सवाल क्या है थोड़ा जान लो। निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए कंप्लेक्स व टी बोल्ट के वर्क को कंपल किया जाता है, पहनावे के प्रतिरोध को कम करने के लिए, दुर्घटना सटीकता चिप निर्माण, टू अवॉइड विच द फॉलोइंग द वर्क इज क्लैंप्ड विथ क्लैंप कैंप्स एंड टी वोल्टेज, बताओ। कोई बात नहीं है भाई, चीजों को समझना है और बढ़ाने की जरूरत है भाई, इस देश को नौजवानों को लड़ने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है भैया। हमारे किसान नौजवान आज देश में बर्बाद हो रहे हैं। अरे भैया आप देखो, मेहनत करो पूरा एकदम, आप सफल निश्चित हो जाओगे साथी। बताइए बताइए साथी, सही बात है, दुर्घटना से एक्सीडेंट से बचने के लिए सही ऑप्शन भी है सबका, बी वाले सबका सही है भैया। तुषार जी, ऋषिकेश जी, राजकुमार जी, अभिमन्यु मुंडा जी, विनायक मोद जी, चलिए ऋषिकेश जी, चलिए सर, चलिए साथियों आइए अगले सवाल पर। सवाल है विद्युत कार के जूते डैश के बने होने चाहिए भैया, रबर का, प्लास्टिक का, चमड़े का या सभी का? विद्युत कार का मतलब होता है जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन जो है उसका जूता किस मटेरियल का बना होना चाहिए? क्लियर हमारी बात? बताओ साथी कौन सा आंसर आप लोग देने वाले, रबर, प्लास्टिक, लेदर? इट ऑल भैया रबर का होगा, रबर का। रबर वाले में क्या होता है तुम देखना, ये ग्लव्स भी जो यूज करते हैं, ग्लव्स भी जो यूज करते हैं वो रबर का होता है, और इसमें जो जूता सूज का जो इस्तेमाल करेंगे वो भी रबर का। समझ रहे हैं हमारी बात को? समझ रहे हैं भाई? और रबर आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर। कहा है निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपी की श्रेणी में आते हैं? भैया पहला क्लास में ही पीपी की चर्चा किया था, पीपी की चर्चा किया था भैया। एक बात बताओ, कोरोना वायरस का समय था, COVID-19 का समय था, सभी डॉक्टर पीपी किट पहन के मरीज को देखते थे, याद होगा आपको? तो पीपी किट जो पहनते थे, चश्मा, दस्ताना, पेटी सब रहता था, सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, सभी रहते थे एक साथ। देखिएगा लगता था लोग पीपी किट पहनने के बाद कि अंतरिक्ष में जाने वाला है, अरे भाई अंतरिक्ष में जाने लायक लगता था देखने में। इस बात को समझने की जरूरत है साथियों, समझ रहे हैं हमारी बात को? क्लियर है विशाल जी, विनायक जी, राहुल चौधरी जी, आदिति बेटा, मिथिलेश जी, राजकुमार जी, नंदनी जी, चलिए विनायक मोद जी, चलिए मनीषा सैनी जी, सब ठीक है?
चलो साथियों, गजब तरीके से बता रहे हो। अगले सवाल पर आओ। सवाल है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा में बनाई जाती है? निषेधात्मक, सकारात्मक, सचेतक, सूचनात्मक। इन विच टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन रेड कलर बॉर्डर एंड रेड कलर क्रॉस बार इज मेड? निगेटिव, पॉजिटिव, अलर्ट इंफॉर्मेशन। क्लियर है भाई? देखो भैया, एक बात याद रख लेना, आप कहो या ना कहो, वैकेंसी आएगी तो सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में रेलवे धाम पटना ही चलेगा। ये लिख लेना, वैकेंसी आने दो, पता चल जाएगी पूरे भारत में कौन है। बताइएगा साथियों। और सही है निषेध, निगेटिव। जैसे आप देखिएगा, लिखा रहा था प्रवेश निषेध, याद कीजिएगा, लिखा रहता है साथियों धूम्रपान निषेध। और हमारा ये भारत है, धूम्रपान मना है, लिखा रहता है निषेध, लेकिन खुले आम चौक चौराहे पर बिकता है भैया सिगरेट, गांजा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, है ना, चरस, भांग, सब बिकता है भैया। और हमारे देश के कुछ योद्धा है जो बॉलीवुड में सुपरस्टार रहे हैं, वो रजनीगंधा का प्रचार करते हैं। और वो प्रचार करते हैं किसका? जुआ केसरी, जुआ केसरी। अरे भाई, मजाक बना दिया देश में भैया। इस देश के नागरिकों को समझने की जरूरत है, जो चीज निषेध है उसका सेवन ना करें। समझ रहे हैं बात को? इसमें भी कुछ बालक है जो सिगरेट पीता होगा, गांजा पीता होगा, खैनी खाता होगा, बीड़ी पीता होगा, कोई है तो बता दो यार, कोई है भी जी? इतने लोगों में कोई है तो बता दो भैया। मुझे उम्मीद है आप नहीं नहीं होंगे, लेकिन आपके साथ रहने वाले कोई सिगरेट पीता होगा, कोई गांजा पी रहा, कोई खैनी खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पान पड़ा खा रहा, कोई रजनीगंधा खा रहा, कोई पान खा रहा है, बीमल खा ला रहा है। अरे इस देश को समझने की जरूरत है। कोई भी बच्चा नहीं खा रहा, मेडिकल में दिक्कत हो जाएगी साथियों। जो भी साथी खाते होंगे, आज संकल्प लो आज छोड़ने का भैया, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं हमारी बात को? नो सर, एकदम नहीं। सवाल है, सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस? धरातल का मतलब होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किस आकार का, या बेस कह सकते? बैकग्राउंड तो नहीं, बेस। बेस कैसा होता है, सरफेस कैसा होता है? व्हाट इज द सेफ सेफ इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी साइन? क्लियर है हमारी बात? बताओ। तो भाई स्क्वायर होगा, इस तरह से होता है इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर हमारी बात? सबका सही है भैया। और वृत्ताकार तो बताए ही थे भैया, ये निषेध वाले में होता है। क्लियर है भाई? चलिए साथ ही गजब तरीके से बता रहा, अंशु कुशवाहा जी, तुषार मेहरा जी, सबका सही है भाई। आओ अगले सवाल पर। भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध डैश होता है, ये भैया इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जवाब देंगे। फटाफट जवाब दोगे, शून्य, ज्यादा, कम, अनंत। भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध डैश होता है। और बता देते हैं, यदि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह कम हो रहा है,
इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम हो रहा है। यह बात हम हिंट कर दिया, आप बताओ भैया बेटा हम क्या करें। मनीषा बेटा रिकॉर्डेड देख लेना बेटा, लेकिन जुड़िए, अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी फायदा मिलेगा। क्लियर हमारी बात? तो भींगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? कम होता है, लेस होता है साथियों। ये होगा शून्य थोड़े होगा जी, क्या बात है, कम होगा ना। हम यहां देखो बता भी दिए हैं, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा, लेकिन यहां पर कह रहा है भींगा हुआ शरीर है। भींगा हुआ शरीर में क्या होगा भाई? भींगा हुआ शरीर में विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब मैक्सिमम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम होगा, कम होगा, कम वाली बातें होंगी। बिल्कुल भाई, भाई देखो जो सर पढ़ाते हैं उनके पास टाइम का अभाव है, ऑफलाइन में भी बैचेज रहते हैं भाई, तो भाई थोड़ा मैनेज तो करो भाई। आइए, कहा कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। भैया कृत्रिम जब बोलेगा ना, सरल विधि, तो याद कर लेना किसको? सीमा और सचिन को। सीमा और सचिन को याद कर लेना, सबसे सरल विधि है। बताओ सीमा पाकिस्तान वाली है, ये जो है भैया भारत वाला है। दोनों में भैया क्या हुआ? कृत्रिम श्वास क्रिया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है भैया। बताओ कौन सा होगा जी सीमा सचिन? अरे मुंह से मुंह में बात होगा, माउथ टू माउथ बात होगी हमारी। और देखो मुंह से मुंह की बात, पाकिस्तान से भारत आ गई महिला। इस बात को समझने की जरूरत है साथियों, इस देश के नौजवान को समझने की जरूरत है कि भैया झांसा में नहीं आना है और इस भारत देश को बचाना है। क्लियर हमारी बात? सौ से सीमा, सौ से सचिन, मुंह से मुंह, मुंह से मुंह। आओ, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनानी चाहिए? सिल्वेस्टर, सैफर, मुंह से मुंह, यह सभी बताओ। बहुत अच्छी बात है बेटा। क्लियर है भाई? बताओ जी भाई, बी दे रहे हैं भाई, सैफर विधि दे रहे हैं भाई, बताइए। सही बोल रहा है, सैफर विधि होगा, क्योंकि पीठ में छाला हो रहा है, तो किसके बदौलत लिटाओगे साथियों? बताओ,
सही है, बी सत्य है, सत्य है। चलो अगले सवाल पर आओ। कहा है यदि किसी महिला कारीगर, आप देखो महिला कारीगर है, को मुंह से मुंह में श्वास देना हो उपर्युक्त कौन सी विधि, बताओ। ये लेडी वाली बात हो गई, महिला लेडी। अगर मान लिया जाए तुम रेलवे में टेक्नीशियन है, अब मान लिया जाए रेलवे में टेक्नीशियन है, मान लिया जाए तुषार नाम का कोई लड़का है और कोई रीना नाम की लड़की है। अब रीना को यदि श्वास की जरूरत है तो बताओ तुषार क्या करेगा। भैया तुषार क्या करेगा, तुषार क्या करेगा साथियों? सचिन शिंदे कह रहे हैं आप अमीर हो क्या, समझ रहे हैं बात को? भैया हम अमीर नहीं हैं, आप लोगों के बीच के नौजवान हैं साथियों। बताओ क्या करेगा भैया, बी कह रहा। तुषार क्या करेगा रीना के साथ भैया, अगर सांस की जरूरत है तो? मुंह से मुंह में श्वास देने के लिए वो रबर बल्ब का यूज, स्वच्छ रूमक का रुमाल, रुमाल है ये जो है लिखा हुआ रुमाल, नल का प्रयोग है रबर बल्ब, इसका यूज द रबर बल्ब करेगा। भाग जाएगा, चलिए भाई भैया रबर बॉल का देखो ना, बच्चा को चुसनी से पिलाया जाता, देखो ना बच्चा को चुसनी से दूध पीता है, देखा है ना जी, वो चुसनी जो है रबर का रहता है ना जी, किसका रहता है रबर का, तो बच्चा को देखना चुसनी से दूध पिलाया जाता है, समझ रहे हमारी बात को? तो भैया एक बात याद रखना कि चुसने से दूध पिलाया जाएगा रबर बल्ब का इस्तेमाल, तो तुषार भी रीना के लिए रबर बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। तुषार जी बताओ खुश हो गए होंगे अंदर अंदर, बेचारा खुश हो गया, क्या कहना है तुषार को, क्लियर हमारी बात? रबर बल्ब के द्वारा क्या होगा कि आप यहां से देखो, ये मान लिया जाए रबर बल्ब इस तरह से रहेगा, यहां से आप एयर दीजिएगा मुंह के द्वारा, इसका मुंह यहां रहेगा, उससे जो है एयर मिलेगा यहां आके, चुसनी में देखता है दूध रहता है, बच्चा चुसुर 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 करता है, क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, किसी को दिक्कत बा का बतावा? चुसनी देखा होगा बच्चा दूध पीता है चुसनी से, रबर का बना रहता है। भैया आ जाओ अगले सवाल पर, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आग बुझाने वाला यंत्र है, जलयुक्त यंत्र, झाग पैदा करने वाला यंत्र कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र, जल की फुहार, अरे भाई
चलिए भाई, थोड़ा फोन आ गया था साथियों, बताइए विद्युत तार की बात। चलिए विद्युत तार की बात, आग लगी को बुझाने के प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है भाई? तो बताए थे याद करना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद करना। तो इसका फॉर्मूला याद करना, CCl4 या BF C का प्रयोग करते हैं, याद होगा आपको, कराए थे साथियों। अरे भैया सचिन जी तो गजबे बात कर रहे हैं। चलिए आइए, वैद्युत की कार्यशालाओं आग बुझाने वाले यंत्र हेतु क्या करते हो? आग बुझाने वाला यंत्र उपलब्ध होना चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवरहेड लंबी होनी चाहिए, उपयुक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। बताओ साथी गजब से, ऐसा ऐसा बात पूछिएगा सिंधे साहब तो कैसे हम जवाब दे पाएंगे भाई, इसके लिए नमन करता हूं भैया। बताओ साथी 19 नंबर, आग बुझाने वाला यंत्र, सही बात है, यस सही बात है, यस। रेत से भरी बाल्टी, बहुत अच्छी बात, यस। जल की व्यवस्था, यस, सभी होनी चाहिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरे जितना व्यवस्था उतनी अच्छी बात है कि नहीं हमारी बात? रेत रेत बिहार क्या बोले भाई, बाहरी हुआ नहीं भाई, रेत मतलब बालू, रेत मतलब बालू, सैंड, ठीक है। आइए अगले सवाल पर, CTC आग बुझाने वाले में कौन सा द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2, ठीक है, ब्रोमोक्लोराइड, डीफ्लोरीन, मेथेन ए और सी दोनों, बताओ ऑप्शन। सर जी मेरे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सेंड की बाल्टी रहती है। हाँ हाँ भाई वही बात है, अच्छी बात है तुषार जी, लजाना नहीं है भैया तुषार, ब्याह नहीं होगा इसे में, लजा जाओगे तो बताइए साथी क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी करो। देखो भाई ब्रोमो क्लोराइड भी होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और ए और सी दोनों होगा, ए और सी ये होगा आंसर, बोथ ए और सी आंसर, ठीक है। देखो साथियों आप सभी ने हमें बहुत कॉपरेट किया है, साथी इस बात को समझने की जरूरत है, आप सभी जैसा जानते हैं हम लोग आपके लिए निरंतर कक्षाएं ला रहे हैं। साथी कक्षा की बात करोगे, आप लोगों के फरमाइश पर जनरल साइंस की कक्षा आ गई है जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। दूसरी यदि आप चर्चा करोगे तो आ चुका है आपको साथियों बेसिक साइंस तो चल रही थी, तीसरा यदि बात करोगे तो ट्रेड की बातें हैं, ये सभी चीजें आ चुकी है साथियों। तो आप सभी जितने भी साथी हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे की कक्षा बायोलॉजी की होने वाली है, और आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा साथियों, आपको पता है कि आप सबों के लिए हम लोगों ने फिजिक्स भी शुरू ला रहे हैं, केमिस्ट्री भी ला दिए हैं, बायोलॉजी कल आ जाएगा साथियों, और मेरा लक्ष्य है 15,000+ क्वेश्चन कराना,
जो कि आप देखे होंगे यूथ की किताब में है, जिसमें रेलवे का आरआरबी का पूरा समग्र है क्वेश्चन का सीरीज। भैया पहले अभी सुनील जी अभी बहुत बताना क्वेश्चन बाकी है साथियों, क्लियर है भाई? तो सुबह 7 बजे मिलिए आप सभी साथी। धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच साथियों। आपके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय बजरंगबली की जय। जय लोको पायलट साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो जाए, आपकी रिजल्ट शुभ हो जाए। बस धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। भैया एक बात याद रख लो, जिंदगी में सफलता उसे मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। साथियों मिलते हैं शानदार अगले कक्षा में, सुबह 7 बजे आना ना भूलेंगे। आप सभी को दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, सैल्यूट आप सभी।